वो खेलेंगे रॉबर्ट रियल बाइक केयर। हम मुंह पे मारेंगे डोरेमोन का झोला तुम्हारे। फाइनली हमने डीबी वाइजर लगा दिया है। प्लीज कमेंट करके बताना कि कैसी लग रही है गाड़ी, और गाड़ी के पीओवी से कुछ ऐसा लुक आ रहा है देख। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल रॉबर्ट रियल। और प्लीज आजू बाजू का नॉइस थोड़ा इग्नोर करना। और मैंने अपने गाड़ी की जो हेडलाइट्स है वो मॉडिफिकेशन करी है, वो मैंने दिखाया था लास्ट वीडियो में, और वो कुछ ऐसे दिख रहे हैं देखो इसे, और इंडिकेटर देने पर देखो कितना प्यारा दिख रहा है। अगर मैं इंडिकेटर दूँ तो इंडिकेटर ऐसे जलता है, और मैं इंडिकेटर बंद कर दूँ तो नॉर्मल दोनों रेड जलते हैं। मेरे को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, आपको ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। आपने वो पूरा वीडियो नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देख लो। अब इंडिकेटर बंद हो चुके तो देखो कितनी प्यारी लग रही है गाड़ी, एकदम नेक्स्ट लेवल लग रही है ना, एकदम डेविल सा लुक आ रहा है एकदम। यार कितनी प्यारी लग रही है यार, सच्ची में मेरा तो दिल आ गया इस पर। सो ये सब तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने अपने गाड़ी के जो DRL है वो मॉडिफिकेशन करे, बट इस वीडियो में हम लोग करने वाले गाड़ी का जो वाइजर है। हाँ, बहुत टाइम से कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई जल्दी जल्दी वाइजर मॉडिफाई करो, वाइजर चेंज करो, DB वाइजर लगाओ। तो आज हम लगाने वाले अपने गाड़ी को DB वाइजर। तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्विक एंड शॉर्ट वीडियो होने वाला है। कैसे मैं वाइजर इंस्टॉल करूँगा आपको बताऊँगा, और वाइजर इंस्टॉल करने के बाद कैसा लुक आता है गाड़ी का वो आपको दिखाऊँगा। थक गई। ये क्या लगाई है तू? और ये देखो इसने मेरा हेलमेट का थैली कैसे पहना है, देखो किधर लटक रहा है। अरे देवा सुधर जा रहे बाबा। अभी फटाफट से गाड़ी में यहाँ से सोच रहा हूँ वहाँ पर ले लूँ, क्योंकि बारिश आ गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं गाड़ी पहले उधर थोड़ा शेड में ले लेता हूँ सीढ़ियों के नीचे, फिर वहाँ पे हम लोग ओपन करेंगे। पकड़ना मैं ऐसे लग रहा है कोई बहुत बड़ी सांड को छोटे से बच्चे चला रहे हैं। लाइट लगाने के बाद गाड़ी और बड़ी लग रही है। मिरर निकाले तो और भी बड़ा लग रहा था। मिरर भी जल्दी निकालेंगे इसके, और ये नंबर प्लेट भी निकाल के इधर पे लगाने वाला हूँ। अभी बहुत सारी चीज़ें तो लगा चुकी है, ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारी चीज़ें लगाई है। अभी बचा है इसका वाइजर और पीछे के इंडिकेटर और TLTD। तो वाइजर तो मैं अभी लगाऊंगा, TLTD देखो बारिश के बाद ही लगाऊंगा, बट इंडिकेटर मैं चेंज करूंगा। अभी टाइम नहीं है ज़्यादा, अभी पहले वाइजर चेंज कर लेते। और ये वाइजर चेंज करने के लिए मैं ये एक ही टूल किट यूज़ करने वाला हूँ, जिसमें मुझे ज़्यादा कुछ लगेगा नहीं। बस एक 5 नंबर की एलन की लगने वाली है, और एक स्टार वाला स्क्रू ड्राइवर लगेगा, और कुछ भी नहीं लगेगा। और मैंने आपको वाइजर नहीं दिखाया कि आमू ने पीछे लटका रखा है। हमारे इधर ना ऐसे भंगार वाले आते थे, वो गोनी लगा के आते थे, बोलते थे भंगार वाला। तो ये देखो मैंने इसे माइक्रो फाइबर क्लॉथ के अंदर लगा के रखा था। तो ये मेरा भी रख लिया। इसको सीधा करना, सीधा करके दिखाना। ये देखो ये अपना DB वाइजर है, ये लग जाएगा गाड़ी के ऊपर और लुक हो जाएगी एकदम कड़क। सभी फटाफट से इसको चेंज करते हैं, पकड़ना इसको। देखो हम अपने झोले में सब रखती है कैसे। ओ सेंटा क्लॉस, सेंटा क्लॉस। थोबड़ा तो दिखाती नहीं ये लड़के, इतना गंदा थोबड़ा क्यों दिखो। ये वाले स्क्रूज ओपन करने पड़ते हैं। ये स्क्रू ओपन करने के लिए यहाँ पीछे भी स्क्रू है, तो हमें पहले नंबर प्लेट हटानी पड़ेगी। वैसे लास्ट वीडियो में हमारे कोई तो सब्सक्राइबर ने कमेंट करा था वह मैकेनिक भाई करके, तो हाँ भाई मैकेनिक भी है। एक्चुअली मैं मुझे ये सब करना अच्छा लगता है। और वैसे बता दूँ मेरे डैड रह चुके हैं इलेक्ट्रिशियन, मतलब है अभी भी इलेक्ट्रिशियन, बट वो काम नहीं करते इलेक्ट्रिशियन का। सो मतलब अपने आप कीड़ा आ ही जाता है, और भाई को और मुझे तो बचपन से ही कीड़ा ही है ये सब चीज़ों, खास करके जब खुद की गाड़ी हो ना तो बहुत मज़ा आता है ये सब करने में। सबसे पहले ये स्क्रूज खोलूँगा चारों तरफ के, फिर बाद में ये सारे स्क्रूज खोलूँगा स्क्रू ड्राइवर से, ये दो ये दो। मैकेनिक आराम, तुम चाहे जो भी कह लो, अपनी खुद की गाड़ी खोलने और उसको मॉडिफाई खुद से करने मज़ा ही अलग आता है। ये सब देखो मैं जाके किसी मैकेनिक से करा भी सकता हूँ, बट मैं खुद करना चाहता हूँ, इसलिए मैं खुद से करता हूँ। मैंने अब तक क्यों नहीं करा, क्योंकि देखो अभी गाड़ी को 2 साल हो चुके हैं, 2 साल तक मैंने गाड़ी को बिल्कुल छुआ नहीं, और मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं कुछ ख़राब तो एटलीस्ट नहीं करूँगा। तो उसके वजह से मैं अभी ओपन करना स्टार्ट कर दिया गाड़ी खुद से। ये पकड़ना हम कुछ नहीं, थकी भारी इंसान को ठगे लेके आ गया। बारिश में भीगे वगैरह भी है तो थोड़ा उसको सही नहीं लग रहा, फिर भी आ गई मेरे साथ वीडियो बनाने। अमु के लिए एक लाइक तो बनता है। कुछ तरीका है भीख मांगने का? ये अच्छा नहीं कह रही है, ये अच्छा तरीका है। मैंने क्या किया? जाके मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करो रे बाबा। हाँ जाके अमू को जल्दी जल्दी फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत पोस्ट डालते रहते हैं। अपने यूट्यूब पे तो ज्यादा बोलती नहीं, बट उसके इंस्टाग्राम पे तो वही ज्यादा एक्टिव है। इसको पे रख दे, अब देखो बिना उसकी गाड़ी कैसी दिख रही है। कितनी प्यारी लग रही है ना, मेरे को बहुत अच्छी लगती है बिना मिरर के गाड़ी है। एकदम बड़ी लगती है बिना मिरर के, एकदम अलग ही लगती है। सही है,
कमेंट में आ जाना चाहिए ओपी मैकेनिक, टकला मैकेनिक। अभी जल्दी हम लोग एक वो भी खोल लेंगे, ठीक है? जल्दी सब में अपना टकला भी रिवील करेगा। अभी जल्दी हम लोग वो खोलेंगे, रॉबर्ट रियल बाइक केयर, क्या बोलते हो? मुझे मजाक कर रहा हूँ, सच्ची में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सो फाइनली हम लोग जा रहे हैं वाइजर निकालने। ये निकल गया, अभी बस इसको आगे से निकालना है। पकड़ इसको, हमें अब मुझे मेरा डोरेमोन पॉकेट में से वो निकालने दे। सो गाइस ये रहा अपना स्टॉक वाइजर, ये भी काफ़ी अच्छा है। मेरे को स्टॉक वाइजर बहुत ज़्यादा पसंद है, हल्का सा स्मोक है, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट की तरफ है ये। और बिना वाइजर की गाड़ी देखिए वैसे नहीं है, फुल क्लियर व्यू। सही है, ये देखो ये रबर हटाओगे ना, यहाँ पे एक ये इधर पे गैप रहेगा, मतलब एक पैकिंग रहेगा। इस गैप के अंदर आपको ये वाला जो पॉइंट है वाइजर का वो अंदर डालना है। जब वो अंदर बैठेगा तो आपका वाइजर प्रॉपरली बैठ जाएगा। ये आइडिया के लिए मैंने आपको बता दिया है, मेरा भी फर्स्ट टाइम था तो मुझे भी पता नहीं था कि उधर पे जाता है। मैंने थोड़ा ट्राई किया तो मुझे पता पड़ा, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको बता दूँ। ओके डन। कैसी लग रही है गाड़ी? गाड़ी इतनी अलग लग रही है, अच्छी लग रही है। बट फाइनली गाइज हमने अपना वाइजर लगा लिया है, और वाइजर लगाने के बाद गाड़ी का लुक कुछ ऐसा आ रहा है। सो वाइजर लगाने के बाद गाड़ी की लुक कुछ ऐसी आ रही है। अभी इसको हम लोग स्क्रूज़ फिट करना बाकी है, तो मैं अभी इसको स्क्रू फिट करता हूँ। सबसे पहले तो पीछे से कुछ ऐसी लुक आ रही है, जब मैं चलाऊँगा तो ऐसे दिखेगा। और ये थोड़ा सा मतलब लाइटली विजिबल है, इसमें से हम लोग देख सकते हैं। अभी तो अंधेरा है तो उतना दिख नहीं रहा है, बट उजाले में काफ़ी अच्छा खासा इसमें से दिख जाता है। दिख रहा है ना? GoPro से तो उतना भी नहीं दिख रहा बाकी, बट दिन के टाइम में तो इसमें से काफ़ी अच्छा खासा दिख जाता है। आगे का विजिबिलिटी है इसमें 70% टिंट रहेगा, और इसमें से दिख रहा है, मतलब देख पा रहे हो, विजिबिलिटी है। तो गाड़ी की लुक कुछ अभी ऐसी आ रही है। बहुत टाइम से सब लोग बोल रहे थे कि वाइज़र लगाओ वाइज़र लगाओ, फाइनली हमने DB वाइज़र लगा दिया। प्लीज़ कमेंट करके बताना कि कैसी लग रही है गाड़ी। अभी सबसे पहले इसके फटाफट से अभी ये लुक तो इसकी बिना मिरर की, अभी मिरर लगाना बाकी है। मेरा मन नहीं कर रहा है मिरर लगाने का बिल्कुल भी, बट मिरर लगाना पड़ेगा क्योंकि अभी हमें ऐसे चलाने की आदत हो गई है कि मिरर के सिवा टर्न मारने वगैरह जमता नहीं है। तो फटाफट से फिट कर लेता हूँ, हाँ, और सेफ्टी फर्स्ट। तो हाई बीम कुछ ऐसी दिखती है, हाई बीम के साथ ये लाइट उतनी दिख के नहीं आती है। बट अगर हाई बीम बंद हो जाएगी, चाबी बंद करना और चालू करना, मतलब नॉर्मल टाइम में ऐसी लाइट चालू रहेगी तो कुछ ऐसी दिख रही है गाड़ी। कितना प्यारा व्यू आ रहा है यार, मेरा तो दिल आ गया इस पर। इंडिकेटर देना एक, और इंडिकेटर देखो कितना ब्राइट है, कितना प्यारा लग रहा है इंडिकेटर। इसको मैं जल्दी हज़ार्ड करने वाला हूँ, और हज़ार्ड का भी वीडियो आएगा जल्दी जब मैं बनाऊंगा। अभी तो मेरे पास टाइम कम है तो मैं सिर्फ वाइजर का बना रहा हूँ, और हज़ार्ड इंस्टॉल करूंगा तो दोनों येलो एक साथ जलेंगे, काफ़ी प्यारा लुक आएगा। अभी के लिए दोनों रेड एक साथ देख लो। तो अभी फटाफट से मैं सारे स्क्रूज वगैरह फिट कर लेता हूँ और मिरर फिट कर लेता हूँ इसमें। काम ये भी गाड़ते हो हमेशा बनाना मुझे पड़ा। अभी मैंने हल्के हल्के स्क्रू सारे लगा लिए और मिरर लग चुके हैं अपने, मिरर के साथ लुक कुछ ऐसी आ रही है गाड़ी की। तो मैं आपको बता दूं, जब आपको मिरर फिट करने होंगे तो ना चारों तरफ से स्क्रू थोड़े थोड़े लगाना है एक साथ, एक साइड फिट मत कर देना, उससे क्या होगा दूसरी साइड पे सही से बैठ नहीं पाएगा स्क्रू। सो सब थोड़े थोड़े फिट करना, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आएगा। मैकेनिक भैया ठीक से स्क्रू टाइट करना, कहीं रास्ते में निकल ना जाए। अच्छा मैकेनिक जी, वरना पगार नहीं देंगे तुमको। इतना पगार देते हैं भैया? तो 50 रुपये रखे हो ना अभी। अरे साली, अच्छा एक काम करो, हम तुम्हें 100 रुपये देते हैं, ठीक है? देखो शर्म में रही है, बिल्कुल मना नहीं करेगी। 100 रुपये दे दो तो नहीं निकलेगा वाली। हम ऊपर मारेंगे डोरेमोन का झोला तुम्हारे। और गाड़ी की लुक कुछ अभी ऐसी आ रही है, और फाइनली ये मुझे बहुत टाइम से सब लोग बोल रहे थे DB वाइजर लगाओ DB वाइजर लगाओ, तो मैंने अभी फाइनली DB वाइजर लगा दिया है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लग रहा है, और गाड़ी के POV से कुछ ऐसा लुक आ रहा है देख। वाओ, देखो गाड़ी चलाऊंगा तो कुछ ऐसा व्यू आएगा, मतलब काफ़ी अच्छा खासा हाइट है इसका यार, बहुत ज़्यादा हाइट है इसका। तो क्या भूख लगी है? अरे तेरा क्या है, हर वीडियो में शुरू से लेके एंड तक भूख लगी है। मैडम को खाने के सिवा कुछ सोचता ही नहीं है। चलो कुछ खिलाओ। अब क्या खाएगी? अभी इसने इतना काम किया ना, तो अब मजूरी इसको देना है मुझे। कामगार को मेरे क्या खाएगी? यहाँ पे कुछ है ही नहीं यार, मक्का ले लेते हैं।
आने ले ले तेरे को जो चाहिए, आप लोग जाके खरीद के लेके आते हैं, फिर मैं निकलता हूँ अभी। सो थैंक यू सो मच गाइज, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा रहेगा तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और वाइजर कैसा लग रहा है वो भी कमेंट करके जरूर बताना, लाइट्स कैसे लग रहे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, गुड नाइट। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। एकदम बड़ी लग रही है गाड़ी, होपफुली आपको भी अच्छा लगा ही होगा, अगर लगा ही नहीं लगा है कमेंट करके जरूर बताना।